जमाने के दस्तूर के मुताबिक कम सिनी में ही उसकी मंगनी भी हो जाती है। फैजाबाद में उम्र अफजान का बाप पुलिस का दारोगा होता है। अपने फराइज मनसबी के तहत एक गुंडे के खिलाफ गवाही देता है जिससे उसको 12 साल की कैद हो जाती है। रिहाई मिलने के 12 साल बाद दारोगा से बदला लेने के लिए वो प्लान बनाता है। एक साजिश के तहत कबूतरबाजी के मुकाबले में दारोगा का कबूतर पकड़ लेता है और वापस नहीं देता। एक रोज का वाकया है, दारोगा जी अपने घर में नहीं होते। उम्र अफजान यानी अमरीन अपने छोटे भाई के साथ खेल रही होती है कि तभी दिलावर यानी अदाकार सतीश शाह अमरीन को मुखातिब करके कहता है, तुम्हारे अब्बू ने अपने कबूतर के पैसे दे दिए हैं, आकर कबूतर ले जाओ। और इस बहाने से अमरीन को घर से बाहर ले जाता है, जहां अमरीन को एक टांगे में सवार होने के लिए कहता है। वो इनकार करती है तो दिलावर जबरदस्ती टांगे में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। उधर अमरीन की तलाश में उसकी माँ का बुरा हाल है। दारोगा जी के घर आने पर उसकी माँ रोती चीखती चिल्लाती और कहती है, हाय मेरी अमरीन को ले गए। दिलावर अमरीन को लेकर अपने साथी गुंडे के पास पहुंचता है, जहां एक और कमसिन लड़की मिलती है। गोरा रंग होने की वजह से वो लड़की किसी रईस के हाथ फरोख्त कर देते हैं, लेकिन अमरीन का सौदा नहीं हो पाता क्योंकि उसकी रंगत सांवली थी। इसलिए अमरीन को फरोख्त करने के लिए वो लखनऊ जाता है और अमरीन को तवाइफ खाने की बाई बीबी खानम यानी अदाकारा शौकत कैफी के हाथ फरोख्त कर देता है। अमरीन को अपनी मुआविन हुसैनी यानी अदाकारा दीना पाठक के हवाले कर देती है और हुक्म देती है, आज से तुम उसकी देखभाल करोगी और इसे रक्स की तालीम दिलाओगी। फिर बीबी खानम उसे खान साहब यानी अदाकार भारत भूषण से मिलवाती है, जो तवाइफ खाने पर मौसीकी के उस्ताद हैं। अमरीन धीरे धीरे उस्ताद से रक्स मौसीकी की तालीम हासिल करते जवानी की दहलीज पर कदम रखती है और अमरीन उम्र अफजान बन जाती है। उम्र अफजान जवान हो चुकी है। वो अपने उस्ताद से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करती है कि मेरा भी दिल करता है शायरी करूं, क्यों नहीं। खान साहब उमराव की हौसला अफजाई करते हैं। इसी दौरान गौहर मिर्जा यानी अदाकार नसीरुद्दीन शाह उमराव से कहता है, तुमको बड़ी बीबी बुला रही हैं और जाओ उनके हाथ का बना हुआ हलवा खा लो। लेकिन जब वो बावर्ची खाने में जाती है तो हलवा नदारत होता है, दोनों में तकरार होने लगती है। शाम ढलते ही रात को मुजरा करने के लिए सभी लड़कियां तैयार हो रही हैं। इतने में उमराव जान अपना शेर खान साहब को दिखाती है। शेर उमराव ने कुछ इस तरह लिखा था, दिल ही नहीं आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। खान साहब इस शेर की इसलाह करते हैं, जो इस तरह है, दिल चीज है क्या आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। इस शेर को गजल में ढालकर उम्र अफजान यानी अदाकारा रेखा मुजरे में सुनाती है। सुल्तान नवाब यानी अदाकार फारूक शेख भी ये गजल बड़े गौर और लगन से सुनते रहे। मुजरे से फरागत के बाद जब आईने में अपनी भरपूर जवानी का अक्स देख रही होती है, तभी गौहर मिर्जा उसके लिए चुटले लेकर आता है और उसके बालों में गूंद देता है और उम्र अफजान को अपने सीने से लगा लेता है। उसकी यह हरकत बीबी खानम से पोशीदा नहीं रही और उन्होंने धक्के देकर गौहर मिर्जा को कोठे से निकाल दिया। गौहर मिर्जा लखनऊ के एक मुशायरे की महफिल में जब उम्र अफजान की गजल सुनाता है तो नवाब सुल्तान पहचान जाते हैं कि यह गजल उम्र अफजान की है। गौहर मिर्जा इकरार कर लेता है। फिर गौहर मिर्जा नवाब सुल्तान को उम्र अफजान के कोठे पर ले जाता है, जहां उम्र अफजान अपने दिल फरेब रक्स के साथ ये गजल सुना रही होती है। तमाम तमाशबीन दाद देते हैं और वाहवा के तहसीन आमेज कलमे अदा करते हैं। तब नवाब सुल्तान भी खामोश नहीं रहते और दाद तहसीन के साथ अपना कीमती हार उतार कर उम्र अफजान को पेश कर देते हैं। दूसरे कोठे की तमाम लौंडियां आपस में हंसी मजाक के साथ खुश कलामी में मसरूफ हैं। इसी दौरान गौहर मिर्जा उम्र अफजान के कमरे में आकर उससे बात करता है और नवाब सुल्तान के मुतालिक गुफ्तगु करते हुए बताता है कि तुम्हारी नौकरी की बात चल रही है और उन्होंने तुम्हारी गजल भी मंगाई है, मगर उम्र अफजान ने गजल देने से साफ इनकार कर दिया और कहती है, मैं इस तरह गजल नहीं दूंगी, जब वो यहाँ तशरीफ लाएंगे तो
تو میں خود ہی ان کو غزل پیش کر دوں گی۔ پھر رات میں نواب سلطان کوٹھے پر تشریف لاتے ہیں اور عمراؤں کے روبرو بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم کبھی کوٹھوں پر نہیں جاتے، صرف تمہاری وجہ سے یہاں تک چلے آئے ہیں۔ دراصل اس رات کا جادو ابھی تک نہیں اترا ہے، ہم آپ کی وہی غزل لینے آئے ہیں۔ جواباً عمراؤ جان فرمائش کرتی ہے کہ پہلے آپ اپنا کلام سنائیے۔ پھر نواب مرزا اپنا کلام سناتے ہیں۔ عمراؤ جان نواب سلطان کے اشعار سن کر اتنی متاثر ہوتی ہے کہ اپنے تمام کلام کی بیاض اٹھا کر نواب سلطان کو دے دیتی ہے۔ دوران گفتگو نواب سلطان اسے بتاتے ہیں کہ وہ فیض آباد کے رہنے والے ہیں۔ یہ سن کر عمراؤ جان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ غمگین سے ضرور ہو جاتی ہے لیکن آنسو نہیں بہاتی۔ تبھی نواب سلطان کے والد بھی کوٹھے پر تشریف لے آتے ہیں، مگر جب وہ عمراؤ جان کے ساتھ اپنے بیٹے نواب سلطان کو محو گفتگو دیکھتے ہیں تو بھائی بی بی خانم سے کہتے ہیں، میں تو عمراؤ جان کو خریدنے کے لیے آیا تھا، اب ارادہ ملتوی کر دیا ہے، اس لیے یہ روپیہ تم ہی رکھ لو۔ عمراؤ جان اور نواب سلطان کی محبت پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کی شامیں اور راتیں ایک ساتھ گزرتی ہیں، دونوں کی محبت گہری ہوتی جاتی ہے۔ ایک دن عمراؤ جان اور نواب سلطان حزب سابق کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی خان صاحب کمرے میں تشریف لے آتے ہیں اور عمراؤ جان سے گانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ عمراؤ جان گانے سے انکار کر دیتی ہے۔ نواب سلطان کو بھی خان صاحب کی یہ حرکت گوارا نہیں اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ خان صاحب اور نواب سلطان میں بحث و تکرار ہونے لگتی ہے۔ ناراضگی اور غصے میں اپنی ریوالور سے خان صاحب پر گولی چلا دیتا ہے اور اس طرح نواب سلطان کے ہاتھوں خان صاحب کا خون ہو جاتا ہے۔ عمراؤ جان اور بی بی خانم نواب سلطان کو بھاگ جانے کے لیے کہتی ہیں۔ نواب سلطان کوٹھے سے فرار ہو جاتے ہیں۔ خان صاحب کو زخمی حالت میں کوٹھے سے باہر پھینکوا دیتی ہے۔ دوسرے دن عمراؤ جان کی طبیعت ناساز ہے، بخار کی حرارت ہے۔ اسی حالت میں ایک خط لکھ کر گوہر مرزا کو دیتی ہے کہ وہ یہ خط نواب سلطان کو دے آئے۔ خط میں نہ آنے کا سبب دریافت کرتی ہے۔ جواب میں نواب سلطان کہتے ہیں، اب میں کبھی کوٹھے پر نہیں آؤں گا، ہو سکے تو نواب گنج میں آ جانا جہاں ہمارے دوست فن خاں رہتے ہیں، آج رات میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مقررہ وقت پر نواب گنج میں نواب سلطان عمراؤ جان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں عمراؤ جان وہاں پہنچ جاتی ہے اور نواب سلطان کے ساتھ ان کی شامیں رنگین گزرنے لگتی ہیں۔ پھر ایک دن عمراؤ جان نواب گنج میں نواب سلطان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ فن خاں کی نوکرانی آ کر کہتی ہے کہ آج نواب صاحب ذرا تاخیر سے آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے اور آپ کو بیگم صاحبہ نے یاد کیا ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ زنان خانے میں فن خاں کی بیگم اور عمراؤ جان گفتگو کر رہی تھی کہ اسی دوران دوسری نوکرانی نے عمراؤ جان کو دیکھتے ہی برے الفاظ کہے اور گالیاں دینے لگے۔ عمراؤ جان کی بے عزتی کی جو عمراؤ جان کو ناگوار گزری۔ اتنے میں نواب سلطان آ جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر عمراؤ جان چلنے کو کہتی ہے، اگر اب آپ کو ملنے کی خواہش ہو تو میرے کوٹھے پر آ جانا۔ ایک روز بی بی خانم کا ایک خدمتگار آ کر یہ بتاتا ہے کہ میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے اور ہر جگہ چوریاں ہو رہی ہیں، سبھی چور پکڑے جا رہے ہیں، مگر جو سب سے بڑا چور ہے یعنی فیض علی اداکار راج ببر، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ بی بی خانم فکر مند ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف عمراؤ اپنے کمرے میں بیٹھی نئی غزل لکھ رہی ہے۔ اتنے میں ایک سہیلی آ کر عمراؤ جان سے دریافت کرتی ہے، کیا بات ہے، آج کل نواب سلطان تشریف نہیں لاتے؟ اتنے میں گوہر مرزا بھی آ نکلتے ہیں اور عمراؤ جان سے کہتے ہیں، میں نواب سلطان سے مل کر آ رہا ہوں اور انہوں نے تمہیں موسا باغ میں بلایا ہے۔ یہ سن کر خوشی خوشی موسا باغ میں وہ چلی جاتی ہے جہاں نواب سلطان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور پیار محبت کی گفتگو کرتے ہیں۔ نواب سلطان اپنی غزل سناتے ہیں اور عمراؤ جان اپنی محبت میں کھوئے ہوئے تھے۔ ادھر کوٹھے پر ڈاکو فیض علی بی بی خانم کی بیٹی بسم اللہ یعنی اداکارہ کلپنا ایئر کو اٹھا لے جاتا ہے۔
बीबी खानम बहुत परेशान हो जाती हैं, सब जगह बिस्मिल्ला को तलाश कराती हैं मगर नाकाम रहती हैं, और उसकी बेटी का कहीं पता नहीं चलता। उधर नवाब सुल्तान की वालिदा अपनी मर्जी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हैं। वो सोचती हैं क्यों ना गोद ली हुई लड़की से ही अपने बेटे नवाब सुल्तान की शादी कर दूं। फिर जब नवाब सुल्तान की उमराबजान से मुलाकात होती है तो वो अपने दिल की बात कहते हैं। एक रोज खानम बीबी और हुसैनी उमराबजान से मुजरा करने के लिए जबरदस्ती करती हैं, तो उमराबजान अपने सर के दर्द का बहाना करके टाल देती है और फैज अली डकैत के साथ कानपुर चलने को तैयार हो जाती है। अब उमराबजान और फैज अली कानपुर जा रहे हैं। रास्ते में प्यास लगती है तो फैज अली पानी की तलाश में जरा आगे निकल जाता है, तभी राजा के सिपाही उसको देख लेते हैं और जान से मार देते हैं। फैज अली की मौत के बाद उमराबजान को गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश करते हैं। उसे वहां पर खानम बीबी की बेटी बिस्मिल्ला मिल जाती है। वो कहती है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। उमराबजान उससे कहती है मुझे कानपुर पहुंचा दो, और फिर बिस्मिल्ला के जरिए वो कानपुर पहुंच जाती है। कानपुर पहुंचकर वो अपना अलग मकाम बनाती है, वहां भी लोग उसकी गजलों के दीवाने हो जाते हैं। एक रोज कानपुर की बेगम साहिबा उसे अपने बेटे की शादी की तकरीब में मुजरे के लिए बुलाती हैं। वहां पर उसकी मुलाकात बचपन की उस सहेली से होती है जिसके साथ उसको फरोख्त किया गया था। दोनों एक दूसरे को पहचान लेती हैं और गले मिलकर रोती हैं। इत्तेफाक से उसका शौहर नवाब सुल्तान निकलता है, जिसे देखकर उमराबजान हैरान रह जाती है और जब्त करके रह जाती है और महफिल में ये गजल सुनाती है। कुछ रोज बाद गौहर मिर्जा अदालत के जरिए एक कारिंदे को भेजकर उमराबजान को अपनी बीवी बताकर इल्जाम लगाता है कि वो मुझसे तलाक हासिल किए बगैर किसी दूसरे शख्स से शादी करना चाहती है। इस मुकदमे की पेशी 8 तारीख को है। ये सुनकर उमराबजान अपने कमरे में चली जाती है, जहां गौहर मिर्जा उसे झूठा निकाह नामा दिखाता है और कहता है कि ऐसा करने को खानम बीबी ने कहा था कि कहीं तुम भाग ना जाओ। इस पर उमराबजान को बेहद गुस्सा आता है और वो जारो कतार रोने लगती है और गौहर मिर्जा से कहती है तुम ये मुकदमा वापस ले लो और कानपुर जाकर मेरे घर में रहो। अपनी जमा पूंजी भी गौहर मिर्जा को दे देती है। कुछ दिन बाद ही अंग्रेज लखनऊ में आकर लूट मचाते हैं। हर कोई अपना शहर अपना घर बार छोड़कर भागने लगता है। उमराबजान खानम बीबी वगैरह का काफिला भी निकल पड़ता है। रात गुजारने के लिए जब ये काफिला फैजाबाद पहुंचता है तो उमराबजान को अपने बचपन की याद आ जाती है। मुजरे के अंदाज में उसी जगह गजल सरा होती है। गजल खत्म करके वो अपने घर की जानिब कदम बढ़ाती है, जहां घर में चिलमन से उसकी माँ नजर आती है। माँ की नजर भी उस पर पड़ती है और वो पूछती है क्या तुम लखनऊ से आई हो, तुम्हारा असल घर कहाँ है? जवाब में उमराव कहती है यही मेरा घर है जहां मैं खड़ी हूँ। उमराव जान की वालदा उसे गौर से देखती हैं और पहचान कर कहती हैं मेरी बच्ची अमरीन, और गले लगा लेती हैं। दोनों माँ बेटी जारो कतार रोने लगते हैं। इतने में उमराबजान का छोटा भाई आ जाता है और कहता है अम्मा ये हमारी अमरीन नहीं हो सकती, ये तो लखनऊ की मशहूर तवाइफ उमराबजान है। वो उमराबजान की बेइज्जती करते हुए कहता है चली जाओ यहाँ से। उमराव को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने घर से वापस चली आती है। इस तरह उमराबजान का सफर कोठे पर जाकर ही खत्म हुआ। उसकी जिंदगी में कोठा ही लिखा था। उसके रक्स गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहा।